हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में आज हम लोग लोअर पीसेस एग्जाम 2014 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट थ्री है, इससे पहले पार्ट वन टू चैनल पर अपलोडेड है। इस वीडियो में पर्टिकुलर 25 to 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करना है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अपनी राजधानी को नई जगह बसाने का फैसला लिया है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया, मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया और मालदीव। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंडोनेशिया। फिलहाल इसकी राजधानी है जकार्ता, बट इसकी अब कैपिटल चेंज होने वाला है। कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंडोनेशिया सरकार ने अपनी राजधानी को जकार्ता से हटाकर नई जगह बसाने का फैसला लिया है। जकार्ता में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। नई राजधानी के डिज़ाइन और मास्टर प्लान को तैयार किया जा रहा है, किंतु फिलहाल नई जगह अभी तय नहीं की गई है। देखिए, इस क्वेश्चन को तो मैंने आपको आंसर बता दिया। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ये क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड द प्रपोजल ऑफ अ फ्री राइड स्कीम फॉर वुमेन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देयर इज़ 4 ऑप्शन गिवन। पहला है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक। मतलब किस राज्य की चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है वुमेन्स के लिए। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लोअर पीसेस एग्ज़ाम 2014 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट थ्री। और वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन दिया है, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं कैसे। तो ये होते हैं मांसल, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रिट्रो विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष यानी कि 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया है, बंदर, मगर, मछली और मेढक। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेढक। इनका जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो 3 चैम्बर यानी कि 3 प्रकोष्ठ का होता है। और जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। और सबसे ज़्यादा चैम्बर किस में पाए जाते हैं, तो होता है कॉकरोच। ये सब भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर आपको बताना है इनमें से कौन सही है। देख लेते हैं कथन क्या क्या दिया हुआ है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। सेकंड, गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। तीसरा दिया है, नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट कहलाते हैं। चौथा है, सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन्स क्या है, साइटोकाइनिन। तो आपको बताना है निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, बाकी जो तीसरा चौथा दिया है ये गलत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स कौन सा है। तो ये है आपका साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी हमारा है सही आंसर। है कि स्ट्रोथर्म पौधे होते हैं जो उगते हैं कहाँ पर। तो ये होते हैं बहुत कम ताप पर जो पौधे उगते हैं वो होते हैं हेक्किस्ट्रोथर्म। डीएनए अंगुलीछापन और नैदानिक शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है। तो ये जोड़ती है आपकी वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉडेम या यूनिक्स। तो 98 का सही आंसर होगा मॉडेम। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति जोड़ती है, कहलाती है मॉडेम। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस एग्जाम में इसको पूछा गया है। इसका आंसर है हाइड्रोजन। सबसे कम जो प्रदूषण फैलाता है वो कौन है ईंधन, ये है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। हमेशा से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका सही आंसर होगा पाइरोमीटर। सबसे अधिक टेम्परेचर मान लीजिए अगर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको टेम्परेचर मेज़र करना है, मापना है, तो इसके लिए आप पाइरोमीटर का यूज़ करेंगे। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है। तो ये है आर्सेनिक 74।
निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याय समय तक याद रखने में मददगार होता है? तो ये है विटामिन B6। स्काई डाइविंग निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड डेट कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया है। इस क्वेश्चन देखिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं आता है तो आप इसको सर्च करिए कहीं से भी, गूगल से या कहीं से, आपको इसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाएगी। जल में वायु का बुलबुला कार्य करेगा किस तरह का? तो ये कार्य करेगा अवतल लेंस जैसा। निम्नलिखित SI यूनिट में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं क्या क्या दिया है। पहला दिया है कार्य, की SI यूनिट जूल होती है, बिल्कुल सही है। बल फोर्स का होता है न्यूटन, ठीक है। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, सही है। दाब का डाइन नहीं होता है। प्रेशर का पास्कल भी होता है, बट बार भी होता है, बट ये डाइन नहीं होगा। देखिए, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको इससे आइडिया लग जाएगा करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे लोअर पीसेस के एग्जाम में। सितंबर 2012 के अंत में भारत ने सफलतापूर्वक अपने सर्वाधिक भार वाले संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, जिसका नाम क्या है? फिलहाल ये क्या था हो जाएगा, तो ये था आपका GSAT-10। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे साइंस एंड टेक से। इसरो का सौवा स्पेस मिशन कहाँ से सितंबर 2012 में छोड़ा गया? तो ये था आपका श्रीहरिकोटा, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। आधुनिक ब्रह्मोस सुपरसैनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी को भारत ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो ये किया है रूस की सहायता से। रूस की बात आती है तो आपको दो तीन चीज़ें याद कर लेनी है, जैसे कि रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को है, ठीक है, और करेंसी रूबल है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, फिलहाल जो करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे लोअर पीसीएस में। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अब की बात की जाए तो आपको बताना है, अब की बात की जाए तो नगरीय जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। मुंबई है इसकी कैपिटल। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है, वे क्या क्या हैं? तो ये हैं आपके वायु मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति, ठीक है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, ये सभी हैं। तो डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। फरवरी 2013 में क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा मंगल ग्रह में सर्वप्रथम छिद्रित चट्टान को नासा ने क्या नाम दिया था? तो ये नाम दिया था मार्शियन रॉक। हाल ही में प्रदर्शित फिल्म काईपोचे किस उपन्यास पर आधारित है? तो ये मूवी जब बनी थी काईपोचे, तो ये आधारित थी किस पे? द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ मूवी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। घरेलू वेदना की सूची जो जीवन की गुणवत्ता पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव मापता है, में निम्नलिखित कौन कौन शामिल नहीं है? तो देख लेते हैं पहले क्या क्या शामिल है। देखिए, पक्का मकान शामिल है, सुरक्षित पेयजल भी शामिल है, खाना पकाने के लिए ईंधन ये भी शामिल है, विवाह के लिए समय की कमाई ये शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आंकलन किया जाता है? तो ये किया जाता है लकड़वाला समिति के आधार पर। ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर। तो हमने आज 25 क्वेश्चन डिस्कस किया, पार्ट 3 था ये। इससे पहले पार्ट 1-2 में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया गया, आप उनको भी देखिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है कि किस अपनी राजधानी को नई जगह कौन बसाने का फैसला लिया है, तो ये है इंडोनेशिया। और एक बात आपको याद रख लेनी है कि कजाकिस्तान एक कंट्री है, इसकी कैपिटल अब चेंज हो चुकी है, पहले इसकी थी अस्ताना, अब वहाँ की कैपिटल चेंज हो गई, आपको ये भी याद रख लेना है। कजाकिस्तान की कैपिटल यानी कि कैपिटल राजधानी अब अस्ताना नहीं है। क्या है इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ साथ आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है कि विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस द प्रपोजल ऑफ फ्री राइड स्कीम फॉर वुमेन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।
थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू।